हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के फोर्थ वीक ऑफ जुलाई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको इन वीडियोज के नोटिफिकेशन वक्त पर मिलते रहें। लेट अस सी व्हाट इंपॉर्टेंट हैज हैपेंड इन हिमाचल इन दिस लास्ट वीक। शिमला कॉप्स लॉन्च स्कीम फॉर आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल। तो जितने भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन लोगों के लिए एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है हिमाचल पुलिस ने, इनफैक्ट शिमला पुलिस ने, विच इज आभार योजना और ग्रेटिट्यूड स्कीम। इसमें होगा ये कि जितने भी मिलिट्री और पैरामिलिट्री के पर्सनल हैं, वो क्योंकि साल में ज़्यादातर वक्त अपने घर पर नहीं रह पाते, तो पीछे से अगर उनकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो द फैमिलीज कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द पुलिस टू अ यूनिक नंबर विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ दोज द फैमिलीज ऑफ दोज पीपल, राइट। तो शिमला पुलिस ने ये स्पेशली लॉन्च की है टू रीच आउट टू देयर फैमिलीज एंड टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स ऑन फोन। यानी कि अगर आप किसी सर्विंग मिलिट्री या पैरामिलिट्री पर्सनल की फैमिली में हैं एंड यू आर लिविंग इन शिमला, तो आपको एक नंबर दे दिया गया है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दैट नंबर एंड योर प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व्ड। दीज पर्सनल आर नॉट एबल टू कम होम ड्यू टू ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, देयर फैमिलीज आर ऑफन लेफ्ट इन द लर्च। तो इसलिए ये जो स्कीम है ये शुरू की गई है। नाउ द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड देयर फैमिली मेंबर्स कैन डायरेक्टली अप्रोच द पुलिस थ्रू द मोबाइल नंबर। तो एक नंबर दे दिया गया है जिससे डायरेक्टली फैमिलीज जो है वो पुलिस को अप्रोच कर सकती है, और हर पुलिस स्टेशन को एक लिस्ट दे दी जाएगी इस तरह के आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की जो उस पुलिस स्टेशन की विसिनिटी में या उसके एरिया में रहते हैं, ताकि उस ज्यूरिसडिक्शन को पुलिस स्टेशन वाइज मैनेज किया जा सके। तो एक यूनिक हेल्पलाइन नंबर है उन लोगों के लिए। अ रजिस्टर ऑफ ऑल कंप्लेंट्स रिसीव्ड और इन राइटिंग विल बी प्रिपेयर्ड एंड विल बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन प्रायोरिटी। एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा हर एक पुलिस स्टेशन में, जिसमें इस तरह की कंप्लेंट्स को लिखा जाएगा और उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व किया जाएगा। सो दैट इज व्हाट इट इज, एंड इट इज आभार योजना और ग्रेटिट्यूड स्कीम। सो हाउ पुलिस इज हेल्पिंग द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज इन देयर एब्सेंस, दैट इज ऑल इट इज अबाउट। तो गुड, आई वुड से गुड गवर्नेंस की एक एग्जाम्पल हो सकती है। ओके, देन फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेस फॉर लैंड अप टू 40 हेक्टेयर्स इज नाउ ईज्ड इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल में अगर 40 हेक्टेयर तक का फॉरेस्ट लैंड क्लियर करना है किसी भी और तरह के डेवलपमेंट पर्पज के लिए, तो अब हिमाचल में ही हो पाएगा, राइट। तो पहले जो है इसके लिए ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है हिमाचल में ही इसके लिए परमिशन मिल जाएगी। तो मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड यूथ अफेयर्स राकेश पठानिया ने ये कहा कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, उसने शिमला के रीजनल ऑफिस को इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस बना दिया है। बेसिकली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने शिमला के जो रीजनल डायरेक्टर था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, उस ऑफिस को अपग्रेड करके इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस का स्टेटस दे दिया है। तो उससे अब उसके पास ये पावर आ गई है कि 40 हेक्टेयर तक का फॉरेस्ट लैंड अगर कन्वर्ट करना है किसी भी पर्पज के लिए, तो वो इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस से ही किया जा सकेगा, विच इज नाउ इन शिमला। तो यानी कि अब किसी भी तरह की परमिशन के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, अप टू 40 हेक्टेयर्स। इसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, क्योंकि परमिशन जो है वो बहुत ऊपर से लेनी पड़ती थी। तो अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे कि हॉस्पिटल्स की कंस्ट्रक्शन, स्कूल, कॉलेजेस या रूरल एरियाज में रोड्स को बनाना, वो परमिशन की वजह से रुके हुए थे। तो अब शिमला में ये बन गया है, सो इट विल लीड टू decentralized decision making again for good governance, it is a mandatory step ki jo decision making hai wo decentralized ho, ki jin logon ne uska fayda ya nuksan us decision ka jhelna hai, decision should be closer to those people, right। to 40 hectare tak ka land agar convert karna hai to ab time pe permission mil jaya karegi। और हिमाचल में लैंड अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हिली एरियाज में लैंड जो है वो बहुत ही कम होता है। तो वैसे भी 1970s में पूरी स्टेट का जो कॉमन लैंड है उसे फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया था,
तो अब कहीं भी अगर कोई भी नई डेवलपमेंट या ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए परमिशन लेने के लिए पहले दिल्ली जाना पड़ता था, विच वॉज अ मेजर प्रॉब्लम। और अभी हिमाचल में हाउसिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है ड्यू टू पॉसिटी ऑफ लैंड। हालांकि इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि अब क्योंकि ये चीज डिसेंट्रलाइज हो गई, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि फॉरेस्ट लैंड को इनडिस्क्रिमिनेटली काटना शुरू कर दिया जाए। ऑफ कोर्स प्रूडेंस हैज टू बी ऑब्जर्व्ड इवन इफ द प्रोसेस हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड। तो हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट की ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्हें ये परमिशन मिल गई है तो अब उन्हें इसको जुडिशियसली यूटिलाइज करना है, ना कि फॉरेस्ट लैंड को इनडिस्क्रिमिनेटली कट करना शुरू कर देना, बिकॉज इट कैन हैव अ लॉट ऑफ इकोलॉजिकल रेमिफिकेशंस। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि लैंडस्लाइड्स जो है वो बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है इनडिस्क्रिमिनेट फॉरेस्ट कटिंग, क्योंकि जो ट्रीज के और प्लांट्स के रूट्स हैं दे एक्ट एज द बाइंडिंग मटीरियल फॉर द सॉइल इन द हिली एरियाज। तो अगर इनडिस्क्रिमिनेटली फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो वो मिट्टी को रोके रखने के लिए कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होगी, एंड ड्यूरिंग द सीजन ऑफ मानसून लैंड स्लाइड्स विल इंक्रीज विच कैन बी रियली लीथल। तो इसलिए इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ना किया जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व बनता है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉर्ड्स CSIR IHBT फॉर एप्पल कल्टिवेशन इन मणिपुर। तो जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हमीरपुर में है, IHBT हमीरपुर, यहाँ पर इसको इसकी प्रेज की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में, क्योंकि CSIR IHBT पालमपुर, आई एम सॉरी इट्स नॉट हमीरपुर इट्स पालमपुर, इट इज हेल्पिंग फार्मर्स टू कल्टिवेट एप्पल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एस्पेशली मणिपुर। तो यहाँ से टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है ताकि मणिपुर में एप्पल कल्टिवेशन की जा सके, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी तारीफ की है। CSIR IHBT पालमपुर ने 40,000 प्लांट्स भेजे हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में, ताकि वहां पर इन्हें कल्टीवेट किया जा सके, क्योंकि अगर वहां पर एप्पल कल्टीवेशन होने लग जाती है देन इट कैन बी अ रियल यू नो इकोनॉमी बूस्टर फॉर दोज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। IHBT ने क्या डेवलप किया है, टिश्यू कल्चर बेस्ड वायरस टेस्टेड एप्पल रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी। टिश्यू कल्चर बेस्ड वायरस टेस्टेड एप्पल रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी जो IHBT ने डेवलप की है, जिससे कि एप्पल वैरायटीज जो है वो काफी इंप्रूव हो गई हैं, तो इन्हें अब मणिपुर में इंट्रोड्यूस किया गया है ऑन अ पायलट बेसिस। तो इसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने CSIR IHBT की तारीफ की है। इसके अलावा मणिपुर के फार्मर्स को इस यूनिक टाइप ऑफ कल्टिवेशन के लिए ट्रेन भी किया गया है, ताकि इसको उनको बताया जा सके कैसे इसको कल्टिवेशन करना है। सो दिस इज समथिंग गुड। नेक्स्ट, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट, इसमें एक इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। ओवर 8,000 बर्थ्स इन 108 एम्बुलेंसेस इन हिमाचल इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो पिछले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश में जो एम्बुलेंसेज हैं जो 108 नंबर से ऑपरेट होती हैं उनमें 8,000 से भी ज्यादा डिलीवरीज हो चुकी हैं। सो दिस इज अ ह्यूज नंबर इफ वी कंसिडर इट फ्रॉम द पर्पज ऑफ इन्फेंट मोर्टैलिटी, चाइल्ड मोर्टैलिटी एंड मेटर्नल मोर्टैलिटी। तो इन सबको कम करने में इन डिलीवरीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बिकॉज ऑल्दो वी कैनॉट काउंट दिस डिलीवरीज एज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ मेडिकल एड किट्स एंड एक्सपर्ट स्टाफ, तो उसे हम कुछ हद तक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का पार्ट मान सकते हैं, एंड दे आर बींग ऑपरेटेड बाई GVK EMRI। तो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस जो हैं ये इन एम्बुलेंसेज में मौजूद होते हैं, और इन सभी केसेस में एक भी मॉर्टैलिटी रिपोर्ट नहीं की गई है। सो 100% सेफ डिलीवरीज हैव बीन देयर इन द लास्ट 10 ईयर्स इन दीज एम्बुलेंसेज। इसके अलावा 4,221 चाइल्ड बर्थ जो है वो घरों में भी हुए हैं, जहां पर ये एम्बुलेंसेज पहुंची वहां पर भी इन्हें असिस्ट किया गया, एंड पिछले 10 सालों में 3,00,000 से भी ज्यादा प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉल्स जो है वो इन्हें मिल चुकी हैं, जिनमें से 8,000 को एम्बुलेंस में ही करना पड़ा। दैट मींस द अदर 2,92,000 बर्थ्स वर इन द हॉस्पिटल्स और इन सम क्लिनिक्स। 210 एम्बुलेंसेज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, 15,00,000 कॉल्स इन्होंने रिसीव की,
जिसमें मेडिकल इमरजेंसी 14.5 लाख के करीब थी, प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस 3 लाख के करीब थे और 1,34,000 से ज़्यादा जाने ये बचा चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा सोशल रिकॉर्ड जो है वो इस एम्बुलेंस सर्विस का रहा है। तो ये जो कंपनी है जीवीके ईएमआरआई, इसने 15 लाख कॉल्स रिसीव की हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चल रहा है इन असिस्टेंस ऑफ द विद असिस्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इतनी सारी एम्बुलेंसेज हैं इनके पास और इतनी हज़ारों लाखों ये जाने बचा चुके हैं और इतनी सारी डिलीवरीज जो है ये करा चुके हैं। इनका एवरेज रिस्पांस टाइम जो है वो 14 मिनट है, सिर्फ 14 मिनट इनका एवरेज रिस्पांस टाइम है इन अर्बन एरियाज, क्योंकि वहाँ पर रोड्स वगैरह अच्छी होती हैं, जबकि रूरल एरियाज में एवरेज रिस्पांस टाइम इज 37 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक गैप जो है वो इस पर्टिकुलर पीपीपी पार्टनरशिप ने फिल किया है। अ ह्यूज गैप हैज बीन फिल्ड इन द स्टेट। लाखों लोगों की जान बचाना और लाखों डिलीवरीज करवाना इज अ ह्यूज गैप फिलिंग एज फार एज द सोशल इंडिकेटर्स इन द स्टेट आर कंसर्न। और यही एक कारण है कि जब भी हर साल सोशल इंडिकेटर्स की बात होती है तो बड़ी स्टेट्स में तो नो डाउट केरला इज एट द फर्स्ट पोजिशन, लेकिन अगर हिली एरियाज की और डिफिकल्ट टेरेन की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश इज कंटिन्यूसली एट द टॉप इन दी सोशल इंडिकेटर्स। सो ह्यूज आई कैन से पॉइंटर फॉर यू कि जहां पर भी हिमाचल के सोशल इंडिकेटर्स की बात आएगी वहां पर आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इस कैन बी रियली हेल्पफुल टू यू। सो दिस इज ऑल दैट वी हैड टू कवर इन दिस क्लास। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।